बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आज के लेक्चर के लिए रेडी बैठे होंगे। चलें देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है। आज जो आपकी क्लास 5 का सब्जेक्ट साइंस और लेक्चर नंबर 8 है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आज हमने क्या चीज़ें देखनी है। कल के लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करवा दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन कॉन्सेप्ट्स दिए थे। इस यूनिट में हमने क्या डिस्कस करना है, टॉपिक है आपका द एनिमल वर्ल्ड, सब टॉपिक मिसिंग लेटर करने हैं। कल आपको एक सब टॉपिक जो था फर्स्ट, उसमें आपको वर्ड्स मीनिंग करवा दिए थे। देखते हैं अब कौन से मिसिंग लेटर्स जो इस चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। फर्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आपको पता है ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जैसे हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स वगैरह, सो वो उनमें से एक कंपोनेंट क्या है, साइटोप्लाज्म। आफ्टर डैट यू हैव एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आपको पता है किसको कहा जाता है, जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो होते हैं आपके पास एम्फीबियंस। अगर एग्जांपल दो तो फ्रॉग इज़ द वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल। आफ्टर डैट यू हैव मैमल्स। मैमल्स के बारे में आपको बताऊँ कि ये जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हम ह्यूमन्स खुद हैं। अच्छा, उसके बाद है मोलस्क्स। मोलस्क में ये भी एक ग्रुप है इसका। उसके बाद आपके पास वर्ड आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ओके, ये जो है सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल ये भी सेल के अंदर जो मैंने बताया था कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक है। आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करते चलें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आपने देखना है। और उसके बाद आ जाती है विशबोन। हाँ जी, विशबोन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना आई थिंक नेसेसरी होगा। बर्ड्स के अंदर जो होती है ना एक विशबोन होती है, और वो जो उनकी आप कह लें कि विंग्स के साथ अटैच होती है विशबोन। अगर आप वैसे बात करें तो वो उनके मतलब अगर एयर प्रेशर विशबोन के ऊपर पड़ता है तो वो उनके जो हैं विंग्स उनको टूटने से बचाती है। ये एक विशबोन होती है जो कि सिर्फ बर्ड्स में पाई जाती है। लास्ट में आपके पास है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले जानवर होते हैं, ऐसे जानवर जो मतलब जानवर भी कह सकते हैं, हम एक किस्म कह सकते हैं, सो हम इनको प्रॉपर एनिमल नहीं कहेंगे। रेप्टाइल्स की एक एग्जांपल जो है वो लिजर्ड ज़्यादातर दी जाती है। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।